आई थिंक हम लोग आपके सामने जो अनवील करने जा रहे हैं, इसमें जो है बहुत सारा हम लोग इसको लेके जाने वाले हैं जगह जगह, और हम चाहते हैं कि इसमें लोग अपने जो घर में बनाने वाली चिकन की रेसिपी डालें, जिसको हम वो घर का चिकन कहते हैं। और हम लोग ये यहाँ से जाएगा पंजाब, पंजाब से जाएगा दिल्ली, और हम हर जगह से रेसिपी इकट्ठा करेंगे, और जो रेसिपी हमें क्लोजेस्ट लगेगी चिकन खुराना के, वो एक इंडिविजुअल प्राइस है 10 लाख रुपए का। और जब हम ऐसी लो बजट फिल्म बनाते हैं, हम 10 लाख रुपए एक्टर्स को भी नहीं देते, डायरेक्टर को भी नहीं देते, और सिर्फ खुद रखते हैं। तो ये 10 लाख रुपए हम लोग जो है देने वाले हैं प्राइस, और उसके लिए ये जो है जिसमें वो चिकन बनता है घरों में, वो हम अनवील करने जा रहे हैं। कमिंग अप विद द इनोवेटिव आइडिया, तो भाई वो यहाँ जो आइडियाज ओरिजिनेट करना मार्केटिंग का काम होता है, वो टीम उधर खड़ी है। इनोवेटिव आइडिया उनका था, लेकिन कमाल का आइडिया है, क्योंकि ये कुकर एक ऐसा कुकर है, मतलब जब भी आप कोई चीज़ देखते हो जो अपने नॉर्मल साइज से बड़ी होती है, इमिडिएटली आपका टेंशन ड्रॉ करती है, और फिर आप पूछना चाहते हो ऐसा क्यों है, मतलब ये इतना बड़ा कुकर क्यों है या इतना बड़ा कप क्यों है। तो हम लोग वही था कि ये अटेंशन ड्रॉ करता है, और फिर जो चिकन की रेसिपी ढूंढने की जो की कहानी है पिक्चर की, वही हम लोग करना भी चाहते हैं, क्योंकि एक्चुअली कुछ ने इस फिल्म के जरिए हमको कम से कम बहुत सारे लोगों के घरों की सीक्रेट रेसिपीज पता चल जाएंगी। हम लोग ट्राई करेंगे, क्योंकि जो भी रेसिपीज डाली जाएंगी सब बनाई जाएंगी, और बनाई जाने के बाद जो है उसमें से चूज होगा कि कौन सी रेसिपी सबसे क्लोज थी, पढ़ के तो आप नहीं बता सकते। कोई वर्कशॉप नहीं हुई, बट हम लोग करीबन 2 महीने पंजाब में थे, और वहाँ पे हमें जाके बहुत सारे खाने खाए अलग अलग तरीके के। आई थिंक दैट वाज अ वर्कशॉप, और हमारा मिशन था कि हम पंजाब के हर ढाबे में जाके वहाँ की स्पेशलिटी खाएंगे और वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करेंगे। तो आई थिंक वंस वी देयर, तो एंड बिकॉज समीर इज़ पंजाबी, कुणाल इज़ पंजाबी, द राइटर ऑफ द फिल्म सुमित भतीजा, ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम पंजाब, तो उन लोगों से बहुत हेल्प मिली। आई डोंट थिंक आई कुड हैव प्लेड अ पंजाबी गर्ल कन्विंसिंगली फॉर फिल्म। मेरा कैरेक्टर जो पंजाब में अक्सर ऐसा होता है कि लड़के जो हैं कनाडा जाना चाहते हैं, यूके जाना चाहते हैं, Canada. और कनाडा और इलीगल तरीकों से जाते हैं वहाँ पर। तो ये जो मेरा कैरेक्टर है ओमी खुराना, वो भी 10 साल पहले चला गया था, और अब वापस आ रहा है खाली अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से। तो डिटैच किस्म का आदमी है, अनइमोशनल है, और मुझे लगता है कि पिक्चर के दौरान उसकी एक जर्नी होती है, वो अटैचमेंट की वैल्यू सीखता है। तो हाँ सर, मैं आई मीन इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग आई प्लेड।